नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। देश के विभिन्न राज्यों में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। इस योजना के विरोध में बिहार के युवाओं ने एक ट्रेन को जलाकर आग के हवाले कर दिया। राजधानी दिल्ली में भी अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन करने वाले युवाओं का समर्थन किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि सेना भर्ती में केंद्र सरकार की नई योजना का देश में हर तरफ विरोध हो रहा है। युवा बहुत नाराज है, उनकी मांग एकदम सही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सेना हमारे देश की शान है, हमारे युवा अपने पूरा जीवन देश को देना चाहते हैं, उनके सपनों को 4 साल में बांधकर मत रखिए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से अपील करते हुए कहा कि युवाओं को सिर्फ 4 साल नहीं बल्कि जीवन भर देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। केंद्र सरकार ने मंगलवार को दशकों पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए थल सेना, नौसेना और वायु सेना में सैनिकों की भर्ती संबंधी अग्निपथ योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत सैनिकों की भर्ती 4 साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जाएगी। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 वर्ष के बीच होगी और 30,000 से 40,000 प्रति माह वेतन मिलेगा। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।